हेलो गाइस, गुड इवनिंग। सो गाइस, 6 अगस्त की विजन की डेली करंट अफेयर्स अपडेट हो गई है। चलिए इसके फर्स्ट टॉपिक के साथ स्टार्ट करते हैं। प्राइम मिनिस्टर लेज फाउंडेशन फॉर अयोध्या राम टेंपल, ये तो आपको बहुत अच्छे से पता ही होगा, ठीक है। अभी क्या है, जो अयोध्या राम टेंपल है, हमने इस किस स्टाइल के आर्किटेक्चर में बनाया है ये आपको पता होना चाहिए। नगारा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर में हमने इसे बिल्ड किया है। जो नगारा स्टाइल ऑफ टेंपल आर्किटेक्चर है वो मेनली नॉर्थन इंडिया में ही पाया जाता है। नगारा स्कूल को फर्दर सब डिवाइड किया गया है डिफरेंट स्कूल्स में एज पर देयर रीजन, जैसे ओडिशा का अलग है, खजुराहो का अलग है, सोलंकी का एंड एक्सेट्रा। कुछ क्या नगारा स्टाइल के क्या आर्किटेक्चर एलिमेंट्स है जरा हम देख लेते हैं। गर्भगृह, देखो गर्भगृह क्या होते हैं, जहाँ पे जो एक स्मॉल रूम होता है, गर्भगृह क्या होता है, जहाँ पे जो मेन भगवान की जो मूर्ति होती है वहाँ रखी जाती है, उसे गर्भगृह बोलते हैं। इट इज़ द स्मॉल रूम वेयर द प्रिंसिपल डीटी ऑफ द टेम्पल रिसाइड। मंडप क्या होता है, देखो मंडप क्या होता है, मेन जो टेंपल की जो एंट्रेंस होती है, जहाँ पे बहुत सारे लोग क्या इकट्ठे होते हैं, लाइन बना के खड़े होते हैं कि धीरे धीरे हमारी टर्न आएगी, हम दर्शन करेंगे, तो वही मंडप होते हैं। पोर्टिको और द हॉल एट द एंट्रेंस ऑफ द टेंपल जनरली डिजाइन टू हाउस अ लार्ज नंबर ऑफ द पीपल, ठीक है। शिखर क्या होता है, शिखर यही होता है कि किस तरह से क्या है, माउंटेन लाइक स्पार विच कैन हैव डिफरेंट शेप, इसकी शेप्स अलग अलग होती है। जैसे आप देखो गुरुद्वारे में मेनली शेप्स क्या होती हैं, इस तरह की होती हैं, मोस्की उसमें शेप्स अलग होती हैं, उस तरह जो शिखर है उसकी कुछ कुछ अलग शेप्स होती हैं, फ्रॉम पिरामिडल टू क्यूरिविलिनियर, ठीक है। वहाना क्या होता है, ये मेनली क्या है, पहाड़ होता है जो अब मेन डीटी के ऊपर लगाया होता है, ठीक है। तो ये माउंट ऑफ द मेन डीटी, जहाँ पे सूरज की सीधी किरण पड़ती है फ्रॉम गर्भगृह, ठीक है। तो वहाना इज द माउंट ऑफ द मेन डीटी प्लेस जनरली इन द लाइन ऑफ साइट फ्रॉम गर्भगृह। अब जो नगारा स्टाइल है, इसमें जो टेम्पल जनरली हम कंस्ट्रक्ट करते हैं वो थोड़ा अप्रेस्ड प्लेटफॉर्म होता है। लाइक देखो आप किस तरह से ये प्लेटफॉर्म क्या अप्रेज्ड है, जैसे इस तरह से उठा हुआ है, ठीक है। उसे हम क्या बोलते हैं, जगाती बोलते हैं। मंडप्स जो प्रेजेंट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ द गर्भगृह, दीज आर एडोन विद द शिखर, शिखर के द्वारा इसको सजाया जाता है। फमसाना स्टाइल इन द राम टेम्पल, टॉलेस्ट वन बींग अबव द गर्भगृह, ठीक है। एग्जाम्पल किया जैसे खजुराहो ग्रुप ऑफ टेम्पल्स या सन टेम्पल एट द मोथेरा। अनलाइक अब साउथ इंडिया में जो मेनली टेम्पल्स होते हैं उनका क्या है, उनका अलग स्टाइल होता है, और वहाँ पे क्या होता है, मेनली क्या होते हैं, मतलब कि डिफरेंट बाउंड्री टाइप होता है, बाउंड्री वॉल्स होते हैं, ठीक है, गेटवेज होते हैं जिन्हें गोपुरम बोलते हैं। नगारा स्टाइल में ये नहीं देखने को मिलता, ठीक है। तो पढ़ लेते हैं, अनलाइक टेम्पल्स इन द साउथ इंडिया, नगारा स्टाइल डोंट यूजली हैव इलेबोरेट बाउंड्री वॉल्स और गेटवेज अलोंग द गोपुरम। जनरली इसमें कोई वाटर टैंक नहीं होता नगारा टेम्पल्स प्रेमिसिस में, एंड प्रदक्षिणा पाथ इज कवर्ड, ठीक है। और जो दक्षिणा पार्ट है जहाँ पे आप चारों तरफ चक्कर लगाते हो, उस पार्ट को जनरली क्या कवर किया जाता है, ठीक है। सो आई होप आपको ही समझ में आ गया होगा कि नगारा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर के बारे में ही इसमें पूरा बताया हुआ है। आगे बढ़ते हैं हम, तो गाइज ये प्रीलिम्स से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ बन सकती है। आगे बढ़ते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फर्म ओन नो बैंक लाइसेंस टू लार्ज कॉरपोरेट। अभी क्या है, एक न्यू प्राइवेटाइजेशन पॉलिसी आई है प्लानिंग्स करते हुए। इसमें क्या है, अभी आरबीआई ने गवर्नमेंट को कम्युनिकेट किया है कि वो लार्ज कॉरपोरेट्स को रिस्ट्रिक्ट करेगी फ्रॉम प्रमोटिंग बैंक, ठीक है। एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ न्यू प्राइवेटाइजेशन पॉलिसी दैट इज़ इन द प्लानिंग स्टेज, आरबीआई हैज़ कम्युनिकेटेड टू गवर्नमेंट इट्स स्टैंड ऑफ रिस्ट्रिक्टिंग लार्ज कॉरपोरेट फ्रॉम प्रमोटिंग बैंक। अब आरबीआई का क्या कंसर्न है, वो क्यों रिस्ट्रिक्ट कर रही है, ट्रैकिंग द मनी ट्रेल एंड इट्स एंड यूज माइट बिकम चैलेंजिंग। मनी ट्रेल का मतलब होता है जो भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हो रही हैं उन्हें ट्रैक करना हमारे लिए क्या है, चैलेंज बन जाएगा, हमें नहीं पता चलेगा कब कहाँ कितनी ट्रांजेक्शन हो रही है, ठीक है। तो इसमें क्या है, कोई ब्लैक मनी भी क्या हो सकती है, इजिली वो मनी का लॉन्ड्रिंग भी हो सकता है, ठीक है। कंपनीज में फाइंड वेज टू बाईपास कॉरपोरेट गवर्नेंस फ्रेमवर्क विच कैन हैव ह्यूज रेमिफिकेशंस फॉर द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ द बैंकिंग सेक्टर। अभी क्या है, देखो आरबीआई क्या है, कुछ रूल्स रखता है, कुछ गवर्नेंस बनाता है, ठीक है। कंपनीज क्या करेगी, कुछ अलग अलग तरीके ढूंढेगी किस तरह से हम जो कॉरपोरेट गवर्नेंस के जो रूल्स हैं, जो गाइडलाइंस हैं, उन्हें क्या कर सकें, बाईपास कर सकें, जिससे क्या है, विच ऑफ द रिजल्ट, रेमिफिकेशन का मतलब क्या है, किस वजह से रिजल्ट ऐसा आएगा कि जो हमारे बैंकिंग सेक्टर की जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा। Most developed countries to have moved away from the model of banks being owned or controlled by the large business houses, especially after the 2008 global financial crisis. Even कि इन्होंने बोला है, RBI ने ये बोला कि even कि जो most developed countries हैं वो भी क्या है कि जो banks का control है वो private sector को नहीं देती, मतलब large business houses को नहीं देती, क्योंकि जब से especially after the 2008 global financial crisis. Instead RBI ने क्या किया हुआ है कि जो institutional ownership होती है bank में वो private sector के लिए open रखा हुआ है कि हाँ
आप आओ। इंस्टीट्यूशनल ओनरशिप आपके लिए ओपन है। वो क्यों करी हुई है? ताकि हम पावर्स को डिसेंट्रलाइज कर सकें और जो हमारी डिसीजन मेकिंग है और जो हमारी कॉर्पोरेट गवर्नेंस है उन्हें हम एनहेंस कर सकें, इम्प्रूव कर सकें। अब इंस्टीट्यूशनल ओनरशिप क्या होता है? कंपनी के जो स्टॉक हैं उसमें क्या है, आप शेयर में क्या कर सकते हो, आप उसका हिस्सेदारी ले सकते हो, जैसे ओन्ड बाय म्यूचुअल या पेंशन फंड्स या इंश्योरेंस कंपनी एक्सेट्रा। ठीक है, पढ़ लेते हैं एक बार। इंस्टीट्यूशनल ओनरशिप इज़ द अमाउंट ऑफ कंपनीज अवेलेबल स्टॉक ओन्ड बाय म्यूचुअल और पेंशन फंड इंश्योरेंस कंपनीज एक्सेट्रा। जबकि ऑन कॉन्ट्रारी, कॉन्ट्रारी की बात ये देखो, कॉन्ट्राडिक्शन की बात ये है, नीति आयोग ने अभी रिकमेंड किया गवर्नमेंट को कि लॉन्ग टर्म प्राइवेट कैपिटल को हमें अलाउ करना चाहिए बैंकिंग सेक्टर में। ठीक है, और अब की आरबीआई क्या कर रही है, आरबीआई रिस्ट्रिक्ट कर रही है, और उल्टा नीति आयोग क्या कर रही है, वो कह रही है कि गवर्नमेंट को कि हाँ तुम अलाउ करो प्राइवेट सेक्टर को कि वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, इन्वेस्ट करें। लेकिन इट इज़ ऑल्सो सजेस्टेड दैट बैंकिंग लाइसेंसेज टू सेलेक्टेड इंडस्ट्रियल हाउसेज विद द कैवेट, कैवेट का मतलब होता है वार्निंग दैट दे डिडंट लेंड टू ग्रुप फर्म्स। बट क्या है, नीति आयोग ने ये सजेस्ट किया है कि आप क्या हुआ, सिलेक्टेड इंडस्ट्रियल हाउसेस को आप बैंकिंग लाइसेंस दो, लेकिन एक वार्निंग उनके साथ रखो कि वो जो ग्रुप फर्म्स हैं उन्हें क्या ज़्यादा से ज़्यादा मनी ना दे पाए, मतलब लैंड ना दे पाए, उधार पे ना दे पाए, क्योंकि जो फर्म्स होती हैं कहीं ना कहीं कर देती हैं, ये इनसॉल्वेंट हो जाती हैं, जिस वजह से जो बैंक की जो पोजीशन है या एनपी है वो कहीं ना कहीं बढ़ जाता है और हमारी जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है उस पर इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, तो यही था न्यूज़ में कि क्या जो आरबीआई ने क्या बोला है, क्या रिकमेंड किया है किसको, गवर्नमेंट को। आगे बढ़ते हैं, COVID-19 पुशेस अप डिमांड फॉर डाटा सेंटर। अब देखो डाटा सेंटर क्या है, देखो नाम से ही पता चल रहा होगा, जहाँ पे डाटा का बहुत ज़्यादा कलेक्शन हो, स्टोरिंग हो, तो वही डाटा सेंटर्स होते हैं। डाटा सेंटर्स क्या होते हैं, एक सेंट्रलाइज लोकेशन होते हैं वेयर कंप्यूटिंग एंड द नेटवर्किंग इक्विपमेंट इज कंसंट्रेटेड फॉर द पर्पज ऑफ, पढ़िए, कलेक्ट कर रहे हो आप वहाँ पे डाटा को, स्टोर कर रहे हो, प्रोसेस कर रहे हो, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, या फिर अगर कोई चाह रहा है कि लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा का एसेस करना तो उसे अलाउ कर रहे हो। ठीक है, डाटा स्टोरेज इन इंडिया हैज़ ग्रोन 8 times टू 2.8 जेटाबाइट सिंस 2014 के बाद, मतलब कि 2020 तक 6 साल में देखने को मिला है जो डाटा स्टोरेज है वो 8 गुना बढ़ के कितनी हो गई है, 2.8 जेटाबाइट्स हो चुकी है। क्यों? क्योंकि आपको देखने को मिल रहा है कि किस तरह हम क्लाउड में स्टोरेज कर रहे हैं, डिजिटल ट्रांजेक्शन हमारी ज़्यादा बढ़ रही है, ई कॉमर्स के थ्रू क्या है हमारा जो डाटा स्टोरेज है वो ज़्यादा बढ़ रही है, जिस वजह से हमारे जो डाटा सेंटर्स की भी डिमांड क्या बढ़ेगी। ठीक है, COVID-19 की वजह से, लॉकडाउन की वजह से ये देखने को मिला है 25 से 35% इंक्रीज़ हुआ है डाटा सेंटर की कैपेसिटी में, क्योंकि जो कंपनीज़ हैं वो मेंटेन करना शुरू कर दिया अपने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को। ओवरऑल का मतलब होता है मेंटेन करना या एग्जामिन करना। ड्यू टू COVID-19 इंड्यूस लॉकडाउन देर वॉज 25 to 35% इंक्रीज इन डाटा सेंटर कैपेसिटी यूसेज एज कंपनीज बिगेन टू मेंटेन देयर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर टू डील विद द न्यू वर्क एनवायरमेंट। अभी आपको पता है जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनका वर्क एनवायरमेंट क्या है, वर्क एनवायरनमेंट बिल्कुल बदला है, किस तरह से वर्क फ्रॉम होम काम चल रहा है, ऑनलाइन एजुकेशन चल रही है, वीडियो बेस्ड मेडिकल कंसल्टेशन चल रही है, हमारे ई कॉमर्स के थ्रू जो शॉपिंग है उसमें बहुत ज़्यादा इंक्रीज देखने को मिला है, और इस वजह से जो है डाटा सेंटर्स की डिमांड भी बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि अब जो डाटा स्टोरेज है वो बढ़ रहा है, डाटा बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो उसे स्टोर करने के लिए भी हमें डाटा सेंटर्स की ज़्यादा ज़रूरत होगी। जो डाटा सेंटर स्टाफ्स हैं उन्हें असेंशियल सर्विसेज के अंडर क्लासीफाई किया गया है ड्यूरिंग द लॉकडाउन। ठीक है, ऑल्सो प्रपोज पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल 2019, अभी 2019 में ये पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल भी प्रपोज हुआ था, जिसके अंदर जो भी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उन्हें बोला गया था कि जो भी आप डाटा इंडिया में कलेक्ट करते हो, स्टोर करते हो, प्रोसेस करते हो, वो सिर्फ हमारी कंट्री के बॉर्डर्स में ही रहना चाहिए, जिस वजह से हमारे पास जो डाटा सेंटर्स की डिमांड और बढ़ गई है। मतलब कि पहले क्या करती थी वो MNCs वो डाटा को आगे ट्रांसफर कर देती थी इंटरनेशनल बॉर्डर्स पे, लेकिन क्योंकि अब इस पॉलिसी के बाद उन्हें इंडिया में ही रखना होगा तो उन्हें स्टोरेज के लिए ज़्यादा जगह चाहिए, इस वजह से डाटा सेंटर्स की क्या डिमांड बढ़ेगी। अभी ये रिपोर्ट भी मिली है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है वो भी क्या करेगी, कुछ एक नेशनल पॉलिसी लेके आएगी फॉर एस्टेब्लिशिंग द डाटा सेंटर्स अक्रॉस द कंट्री। तो गाइस आई होप आपको पता चल गया कि डाटा सेंटर्स की डिमांड क्यों बढ़ रही है, और जो भी इसके रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन थी वो इस न्यूज़ में कवर हो गई है। नेक्स्ट न्यूज़ में बढ़ते हैं, लैंड एक्विजिशन रिमेंस अ मेजर इशू फॉर सोलर प्रोजेक्ट। अभी क्या हम कह तो रहे हैं कि हाँ यार हमें अपनी सोलर एनर्जी इतनी बढ़ानी है, 2022 तक इतनी बढ़ानी है या 2025 तक इतनी बढ़ानी है, लेकिन क्या है ना जो उसमें लैंड एक्विजिशन जो प्रॉब्लम आ रही है ना वो अभी भी बहुत बड़ा इशू बना हुआ है। पढ़ लेते हैं, इंडस्ट्री इज़ आस्किंग फॉर फास्टर डिसीजन मेकिंग फॉर मेकिंग लैंड अवेलेबल
एंड सिंप्लीफाइंग गवर्नमेंट अप्रूवल्स टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट इन पावर प्रोजेक्ट। अभी जो सोलर इंडस्ट्री है वो गवर्नमेंट को बोल रही है कि जरा आप जो अपने डिसीजन हैं उन्हें जरा फास्ट करिए सो दैट हमारे पास जल्दी से जल्दी लैंड का अवेलेबिलिटी हो, और क्या करें आप जो गवर्नमेंट के जो अप्रूवल्स हैं उन्हें सिंप्लीफाई करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे जो पावर प्रोजेक्ट्स हैं उसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए रेडी हों। अब क्या इशूज़ हैं जो फेस किए जा रहे हैं? डिले इन गवर्नमेंट लैंड अलॉटमेंट। ऑफकोर्स जो गवर्नमेंट जो लैंड अलॉट कर रही है उसमें बहुत डिले हो रहा है, या जो रजिस्ट्रेशन लैंड का जो रजिस्ट्रेशन होना है अंडर द सोलर पार्क स्कीम वो उसमें क्या डिले है। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी फॉर इंटरस्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम। अभी क्या है जो लैंड रजिस्ट्रेशन के ऊपर जो स्टैम्प ड्यूटी लगती है उसमें क्या इन्होंने एग्जाम्पशन नहीं दिया, ठीक है, मोस्ट ऑफ द स्टेट्स ने क्या है प्रोवाइड नहीं किया। एग्जाम्पशन ऑफ द स्टैम्प ड्यूटी फॉर लैंड रजिस्ट्रेशन इज नॉट प्रोवाइडेड बाय मोस्ट ऑफ द स्टेट। अभी क्या है किसी लैंड को अगर आप एग्रीकल्चर पर्पज के लिए कन्वर्ट कर रहे हो तो उसमें इतने चार्जेस नहीं लगते और ना ही इतनी परमिशन पड़ती है, लेकिन अभी क्या आप उसे सोलर एनर्जी के लिए यूज़ कर रहे हो तो जिस वजह से नॉन एग्रीकल्चर कन्वर्जन ऑफ लैंड डिमांड हाई चार्जेस एंड द मल्टीपल परमिशन। अभी क्या लैंड रिकॉर्ड्स को अभी भी काफ़ी स्टेट्स में डिजिटाइज नहीं किया हुआ है, जिस वजह से अभी बहुत महीने लेंगे टू फाइनलाइज द एग्जैक्ट लैंड कोऑर्डिनेट एंड आइडेंटिफाई द राइटफुल ओनर। अभी क्या है ना गवर्नमेंट भी आपको एकदम से लैंड नहीं दे सकती, पता चले आप किसी भी ओनर का आपको लैंड दे दिया तो पहले वो भी पूरा देखेगी ना भी हाँ यार राइटफुल ओनर है कौन, तो उसके बाद ही वो लैंड देगी। तो इसको क्यों अभी लैंड रिकॉर्ड को डिजिटाइज नहीं किया हुआ, जिस वजह से गवर्नमेंट खुद क्या है एक चैलेंज फेस कर रही है, और जो इनडायरेक्टली क्या है जो इंडस्ट्रीज़ को क्या करना है जो सोलर रिलेटेड जो इंडस्ट्रीज हैं उन्हें ये चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं। अदर इश्यूज़ क्या हैं कि क्लियरेंस लेना बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि जो पावर है वो कॉन्करेंट सब्जेक्ट हैं और जो इन्वेस्टर्स एज वेल एज जो डेवलपर्स हैं उन्हें बहुत मतलब मुश्किल लग रहा है कि वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से क्या लेना क्लियरेंसेस लेना, ठीक है। 2019 में डेवलपमेंट ऑफ सोलर पार्क्स और अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क्स प्रोग्राम को मॉडिफाई किया था कि किस तरह जो लैंड एक्वायरेशन से रिलेटेड जो इश्यूज हैं हम उन्हें एड्रेस कर सकें। रिसेंटली सेंटर ने अप्रूव किया है कि वो प्रोजेक्ट डेवलपमेंट सेल को सेटअप करेगी, जिससे क्या है जो इन्वेस्टमेंट की प्रोसेस और जो प्रोजेक्ट डेवलपमेंट की जो प्रोसेस है उसे क्विक किया जाएगा ताकि हम इकोनॉमी को अपनी बूस्ट कर सकें और जो इंडिया की जो इंक्रीजिंग पावर रिक्वायरमेंट उसे हम पूरी कर सकें, ठीक है गाइस। आई होप आपको ये सब समझ में आया हो। आगे बढ़ते हैं, सुप्रीम कोर्ट रेफर्स EWS को टारगेट टू 5-judge कॉन्स्टिट्यूशन बेंच। अभी आपको पता है 103rd अमेंडमेंट एक्ट के तहत 10% रिजर्वेशन मिला था इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को। अभी क्या हुआ है किसी एक बंदे ने पेटिशन फाइल करी सुप्रीम कोर्ट को और चैलेंज किया उसकी कि ये बेसिस स्ट्रक्चर को कहीं ना कहीं वायलेट तो नहीं कर रहा, तो अभी ये क्या है सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर को 5-judge कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को रेफर कर दिया। अभी क्या पेटिशनर ने कॉन्स्टिट्यूशन जो 103 अमेंडमेंट एक्ट आया था इसे चैलेंज किया और उसने बोला है कि कोई भी सीट को रिजर्व करना वो भी इकोनॉमिक क्राइटेरिया पे ये कहीं पे भी मेंशन नहीं है, नो सेगमेंट ऑफ अवेलेबल सीट पोस्ट कैन बी रिजर्व ओनली ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक क्राइटेरिया, ठीक है। 103rd अमेंडमेंट एक्ट आपको पता है इसने आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 को कॉन्स्टिट्यूशन को क्या अमेंड किया था, आर्टिकल 15 के अंडर ये था कि पब्लिक या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में उन्हें कोटा मिलेगा और आर्टिकल 16 में ये था कि उन्हें एम्प्लॉयमेंट में क्या मिलेगा रिजर्वेशन मिलेगा। इट इनेबल्स द पार्लियामेंट एंड ऑल द स्टेट लेजिस्लेचर टू प्रोवाइड अप टू 10% रिजर्वेशन इन प्राइवेट एंड पब्लिक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड द पब्लिक सर्विस फॉर द इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन इन एडिशन टू द एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन फॉर SC ST एंड OBC, ठीक है। ये मैं बात कर चुकी हूँ। इंद्र सहनी केस में ये भी आर्ग्यू किया गया था कि ये जो अमेंडमेंट एक्ट क्या है जो 50% की जो सीलिंग है उसे एक्सीड कर सकता है। अभी क्या है कि देखो 50% ही रिजर्वेशन की कैटेगरी में रख सकते हो लेकिन अबव 50% आप रिजर्व नहीं कर सकते, ठीक है। तो यही इंद्र सहनी केस में आया था लेकिन ये है इसमें बोला कि हाँ वो एक्सीड कर सकता है 50% की सीलिंग को। सुप्रीम कोर्ट ने क्या है अभी रेफर किया इस मैटर को कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को ये देखने के लिए भी जो ये पेटिशन रेज करी है क्वेश्चन ऑफ लॉ को वेदर द चैलेंज द अमेंडमेंट एक्ट वायलेट्स द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर रहा है? अभी आपको पता होना चाहिए कि जो डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर था वो सबसे पहले केशव नंदी भारती केस में आया था 1973 में, जिसने बोला था कि कॉन्स्टिट्यूशन के जो बेसिक फीचर्स हैं उन्हें आप अल्टर्ड नहीं कर सकते बाय अमेंडमेंट, ठीक है। जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच आपको पता होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में मिनिमम फाइव जजेस होने चाहिए, उससे ज़्यादा हो सकते हैं लेकिन मिनिमम 5 जजेस होने चाहिए, विच इज सेट अप टू डिसाइड सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ विथ रिगार्ड टू द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन ए केस। अभी ये देखेंगे इन्वेस्ट करेंगे कि इस केस में कितनी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी है या नहीं है, तो वो सभी भी डिसाइड करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। आगे बढ़ते हैं, इंडिया कॉन्ट्रीब्यूट्स ओवर $15.46 million टू इंडिया UN डेवलपमेंट पार्टनरशिप फंड। अभी क्या है इंडिया ने जो इंडिया UN डेवलपमेंट
पार्टनरशिप फंड है उसमें 15.46 मिलियन डॉलर क्या कह रहा है कॉन्ट्रीब्यूट किया। अभी क्या है, जो ये 15.46 मिलियन डॉलर जो इंडिया ने कॉन्ट्रीब्यूट किया, इसमें से जो 6 मिलियन डॉलर है वो तो ओवरऑल फंड है जिसको कोई भी जो डेवलपिंग कंट्री है उस एलिजिबल है उसको यूज़ कर सकती है, लेकिन जो 9.46 मिलियन डॉलर है वो सिर्फ उसने कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ के को डेडिकेट किया। कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, वो कंट्रीज़ जो किसी ना किसी टाइम पे कभी ना कभी ब्रिटिश की कॉलोनी रह चुकी है, तो उनके लिए स्पेशल उसने 9.46 मिलियन डॉलर डेडिकेट किए हैं, जबकि जो 6 मिलियन डॉलर है वो उसने ऑल द डेवलपिंग कंट्रीज़ उसके लिए एलिजिबल हैं। अभी जो इंडियन और यूएन डेवलपमेंट पार्टनरशिप फंड है ये 2017 में एस्टेब्लिश किया गया था, और इसे सपोर्ट और लीड कौन करता है, इंडिया करता है, और मैनेज कौन करता है इस फंड को, यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर साउथ साउथ कोऑपरेशन ये क्या करता है, इसे मैनेज करता है, और इसे जो इम्प्लीमेंट कौन करता है इन कोलैबोरेशन विद द यूएन सिस्टम। अब जरा ये देख लेते हैं, जो यूएन ऑफिस फॉर साउथ साउथ कोऑपरेशन है ये यूएनडीपी के द्वारा होस्ट किया गया था सिंस 1974, और एस्टेब्लिश किसके द्वारा किया गया था, यूएन जनरल असेंबली। अब क्यों किया था, टू प्रमोट कोऑर्डिनेट एंड सपोर्ट साउथ साउथ एंड ट्रायंगुलर कोऑपरेशन ग्लोबली एंड द विद इन द यूएन सिस्टम। ठीक है, तो यही है कि जो साउथ साउथ कंट्रीज़ हैं उनको हम क्या कर सकें, प्रमोट कर सकें, उन्हें कोऑर्डिनेट कर सकें विद द ग्लोबल एंड विद इन द यूएन सिस्टम। साउथ साउथ कोऑपरेशन क्या है, एक ब्रॉड फ्रेमवर्क है ऑफ कोलैबोरेशन, हमें क्या करना है, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं साउथ साउथ नेशन की उनके साथ एक कोलैबोरेशन बनाकर चलनी है, किसमें पॉलिटिकल स्फेयर में, इकोनॉमिक स्फेयर में, सोशल, कल्चर, एनवायरनमेंट और टेक्निकल डोमेन में। इसका एम यही है कि जो हमारी डेवलपिंग कंट्रीज हैं हम उन्हें आत्मनिर्भर बना सकें, सेल्फ रिलायंट बना सकें बाय एनहेंसिंग, अब हमने कैसे बनाएंगे उनकी जो क्रिएटिव कैपेसिटी है उन्हें एनहेंस कर सकें एंड फाइंड सॉल्यूशन ऑफ द डेवलपमेंट प्रॉब्लम, और जो भी वो प्रॉब्लम्स फेस कर रही हैं उनको क्या, उनका सॉल्यूशन देके। ठीक है, अब अंडर ट्रायंगुलर कोऑपरेशन के अंडर क्या है, जो ट्रेडिशनल जो डोनर कंट्रीज हैं और जो मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या करते हैं, जो साउथ साउथ जो इनिशिएटिव्स हैं उनको ईजी करते हैं थ्रू प्रोविजन ऑफ फंडिंग। अब आप जो साउथ साउथ के जो भी इनिशिएटिव हैं उन्हें आप कैसे ईजी कर सकते हो, उन्हें फंडिंग देके, उन्हें ट्रेनिंग करके, या उन्हें मैनेजमेंट प्रोवाइड करके, या फिर टेक्नोलॉजी का सिस्टम प्रोवाइड करके। ठीक है, तो ट्रायंगल कोऑपरेशन में यही है कि जो मेनली जो डोनर कंट्रीज हैं या जो मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन है वो जो साउथ साउथ कंट्रीज के जो इनिशिएटिव्स हैं उन्हें इजी करते हैं, उन्हें फंडिंग देके, ट्रेनिंग प्रोवाइड करके, मैनेजमेंट या फिर टेक्निकल सपोर्ट देके। ठीक है गाइस, सो आई होप आपको ये सब समझ में आया है। चलो अब कुछ छोटी छोटी न्यूज़ कर लेते हैं। ब्रूस डिस्प्लेस फ्रॉम द मिजोरम रिजेक्ट्स रीसेटलमेंट साइट। अभी क्या है, देखो मैं आपको बता दूँ, जो ये ब्रू क्या है, ये एक एथनिक ट्राइब है, ये मेनली मिजोरम की ट्राइब है, लेकिन क्या है 1997 में कुछ एथनिक क्लैशिश हुए थे जिस वजह से क्या है, ये जो ब्रूस जो ट्राइब है वो त्रिपुरा के रेफ्यूजी कैंप्स में तब से रह रही है, त्रिपुरा वो चली गई थी और तब से वो रिफ्यूजी कैंप्स में रह रही है। फिर अभी 2020 में, जनवरी 2020 में क्या है, एग्रीमेंट हुआ था ब्रू ग्रुप में, गवर्नमेंट में और मिजोरम और त्रिपुरा की गवर्नमेंट में, कि ये जो रेफ्यूजी क्राइसिस चल रहा है इसे ख़त्म किया जाए। ठीक है, फिर अब इन ब्रू ट्राइब के लिए अलग से एक साइट प्रपोज की गई, ठीक है, जो अभी क्या है इन्होंने क्या कर दी, रिजेक्ट कर दी। ठीक है, अब यही बात करते हैं, साइट्स वर प्रपोज बाय द ज्वाइंट मूवमेंट कमेटी एंड अम्ब्रेला ग्रुप फॉर द नून ब्रूस इन त्रिपुरा। अभी क्या है, इन ब्रूस ट्राइब के लिए साइट्स प्रपोज की गई थी किसने, ज्वाइंट मूवमेंट कमेटी ने, जो कि एक अम्ब्रेला ग्रुप है नून ब्रूस इन त्रिपुरा। अभी उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, अभी बता देते हैं, ब्रू कम्युनिटी को रियांग्स भी बोलते हैं, जो मेनली मिजोरम, त्रिपुरा और कुछ साउथर्न आसाम के एरिया में रहती हैं। ब्रूस क्या है, वो रेफ्यूजी कैंप्स में रह रही है त्रिपुरा के, आफ्टर दे फ्लेड मिजोरम फॉलोइंग द एथनिक क्लैशेस विद द मिजो ट्राइब्स इन 1997। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, जब ब्रूस ट्राइब के मिजो ट्राइब के साथ क्लैशेस हुए थे 1997 में, तब वो मिजोरम से छोड़ के त्रिपुरा में चली गई थी। एक क्वाड्रिलेटरल एग्रीमेंट साइन हुआ था, मैं भी ये बता भी चुकी हूँ, ब्रू ट्राइब में सेंटर मतलब कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच में, गवर्नमेंट ऑफ मिजोरम के बीच में, गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा के बीच में 27 जनवरी को ही हुआ था 2020 में, टू एंड द 23 ईयर ओल्ड ब्रू रियांग रिफ्यूजी क्राइसिस। ठीक है, तो अभी आपको समझ में आ गया कि इस न्यूज़ में क्या था, शेड स्मार्ट एंड द रेडिएंट कूलिंग टेक्नोलॉजी। अभी क्या है, ये दो टेक्नोलॉजीज हैं, पहले तो देखो आपको यही पूछ सकते हैं कि ये टेक्नोलॉजी किससे रिलेटेड है, ये टेक्नोलॉजी किससे रिलेटेड है, ताकि जो हमारी एनर्जी एफिशिएंट कूलिंग बिल्डिंग हम प्रमोट कर सके। ठीक है, अब हम ये कैसे करेंगे, देखो एक शेड स्मार्ट है, ये एक्सटर्नल शेडिंग सिस्टम है, जिस तरह आप पेड़ से आपको छाया मिलती है उसी तरह ये एक्सटर्नल शेडिंग सिस्टम है, ये एक तरह का इनोवेटिव और कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन है फॉर विंडोज़, जो रेजिडेंशियल या कमर्शियल बिल्डिंग में जो विंडोज़ यूज़ होंगी उस वो एक शेड स्मार्ट विंडो है। अंडर द प्रोजेक्ट, किस प्रोजेक्ट के अंडर, हैबिटेट मॉडल फॉर एफिशिएंसी एंड कंफर्ट, ये किसके द्वारा डेवलप किया गया, जो शेड स्मार्ट डेवलप किया गया है, द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट और साथ में किसके साथ पार्टनरशिप करके, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। ठीक है, रेडिएंट कूलिंग में क्या, कूलिंग इज अचीव्ड, कूलिंग को आप कैसे पाओगे, थ्रू रेडिएंट हीट ट्रांसफर एज अगेंस्ट रेगुलर कन्वेक्टिव एयर कंडीशनिंग इज एफिशिएंट एंड गिव्स बेटर क्वालिटी ऑफ थर्मल कंफर्ट, ये क्या है आपको बेटर क्वालिटी ऑफ थर्मल कंफर्ट प्रोवाइड करेगी। आगे बढ़ते हैं पुकाली राइस, देखो पुकाली राइस क्या है, सॉल्ट वाटर रेजिस्टेंस राइस है, मतलब कि कभी जैसे क्या होता है ना,
जैसे साइक्लोन आता है या फिर बाढ़ आती है, तो जो साउथ एरिया में या फिर जो कोस्टल एरियाज हैं वहाँ पे क्या होता है, जो समुद्र का पानी होता है ना, वो इस राइस के पानी को आके सॉल्ट वाटर के साथ मिक्स होकर क्या करता है, जो ये राइस की जो फसल होती है ना, इसको नुकसान पहुंचाता है। तो ये जो पोकाली राइस है ना, ये क्या है, सॉल्ट वाटर रेजिस्टेंस के लिए अच्छा माना जाता है। और अभी क्या है, इसको अभी केरला के कोस्टल अलाफुजा, इरनाकुलम और थ्रिशोल डिस्ट्रिक्ट में क्या है, अभी इसे क्या है, उगाया गया है। इसको अभी GI टैग भी मिला हुआ है। जो वेटिला 11 है, ये भी एक पोकाली राइस की वैरायटी है। इसे भी अभी जो सुंदरबन के जो पैडी फील्ड है उसमें बोया गया है एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे। अभी एक्सपेरिमेंट करा जा रहा है कि अगर ये सक्सेसफुल रहा तो भाई ये तो फार्मर्स को बहुत बड़ी रिलीफ दे देगा, ठीक है। तो इसीलिए अभी क्या है, इसे एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे किया गया है, उगाया गया किसे, वेटिला 11 का, जो पोकाली राइस की एक वैरायटी है। अबाउट 80% ऑफ द राइस पैड इज इन सुंदरबन फेस द प्रॉब्लम ऑफ सॉल्ट वाटर इनकर्जन पोस्ट अम्फान साइक्लोन। ये अभी 80% जो राइस की जो फसल है जो सुंदरबन में उगाई जाती है उसमें प्रॉब्लम फेस करने को मिली है, क्योंकि अभी पता है अम्फान के बाद क्या है, जो कोस्टल वाटर है वो क्या है, इनमें सॉल्ट वाटर में मिक्स हो जाते हैं। अगर ये पोकाली एक्सपेरिमेंट सक्सीड हो गया तो ये फार्मर्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, ठीक है। ये तो आपको पता ही होगा, आपने आज पता ही होगा 75th एनिवर्सरी ऑफ वर्ल्ड फर्स्ट एटॉमिक बॉम्बिंग। वर्ल्ड वॉर के ड्यूरिंग इस दिन क्या हुआ था, US ने अपना पहला एटॉमिक बम, जिसे लिटिल बॉय के नाम से भी बोला जाता है, वो हिरोशिमा जापान पे क्या करते थे, फेंका था 6 अगस्त 1945 में, जिस वजह से वो जो पूरा शहर था डिस्ट्रॉय हो गया था और कम से कम 140,000 लोगों की मृत्यु हो गई थी। जो इसका एक्सप्लोसिव फोर्स था वो 20,000 टन था ऑफ TNT। US ने ऐसे दूसरा बॉम्ब भी गिरा था, उसका नाम था फैट मैन, वो नागासाकी जापान पे फेंका था 9 अगस्त 1945 को, ठीक है। तो उसी के 75th एनिवर्सरी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो 6 अगस्त के डेली करंट अफेयर्स हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, और अगर आपको कोई दिक्कत है तो प्लीज़ कमेंट करना। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।